आपके सामने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे जो मॉडल्स हैं वो अपने डेमो कर रहे हैं, लाइव डेमो कर रहे हैं। यही वजह है हमारी कि हमारा जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो हमारे पास 43 साल से हमारे ऊपर फेथ करते हैं। अब आप देखेंगे इसमें हमने हार्डली 30 सेकंड का एक आपको इफेक्ट दिखा रहे हैं कि 30 सेकंड में साबुत हल्दी का क्या हो रहा है। इसके अंदर हम लोग यहाँ डोसा बैटर बना सकते हैं, उड़द की दाल पकौड़े के लिए पीस सकते हैं, कोकोनट की चटनी बना सकते हैं, आगे हमारी ग्रीन चिली सॉस, टमाटर प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट। और एक सबसे बड़ी बात है, लोगों को बहुत टफेस्ट चीज़ होती है हल्दी, ये मॉडल अपकमिंग है, ये मॉडल हमारा अपकमिंग है। आप फ्यूचर के अंदर आपको मार्केट में, होटल्स में, बार में आपको देखने को मिलेगा सुजाता। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू आहार 2023। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एक वेल नोन कंपनी के स्टॉल पर, जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस में एक्सपर्ट है और ये लीडर्स भी है, और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह की बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर? हाँ, मैं राजेश पांडे, मित्तल इलेक्ट्रॉनिक से। हम लोग सुजाता हमारा ब्रांड है, जो मिक्सर ग्राइंडर और जूसर मिक्सर ग्राइंडर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। हम लोग पिछले 43 साल से आज मिक्सर ग्राइंडर और जूसर मिक्सर ग्राइंडर आप सभी लोगों की इसके लिए हम सेवा कर रहे हैं। तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ कहाँ हैं, कहाँ से ऑफिसेज कहाँ हैं, डील कहाँ से करते हैं? हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिल्ली में है, SSIGT करनाल रोड इंडस्ट्री एरिया के अंदर, और अभी हम करीब करीब यहाँ 12 साल से यहाँ पर हैं। इससे पहले हम लोग भी GT करनाल रोड अशोक विहार, नियर बाई अशोक विहार थे। अभी हमारा जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमारे को नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, उस हिसाब से हम लोग अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने काफ़ी तरह के प्रोडक्ट रेंज शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ के बारे में। जी ज़रूर। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ हमारा एक पावरमेटिक जूसर रखा हुआ है। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि सब जगह जितने भी जूस पार्लर्स या जूस शॉप्स होते हैं वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे कस्टमर पिछले 25-25 साल से हमारी मिक्सियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन लोगों के व्यूज़ हैं कि हमारी मिक्सियाँ जो हैं बहुत एफिशिएंट और बहुत क्वालिटी का काम वर्किंग करती हैं। तो ये सारे उस रेंज में आएंगे? जी जी, हम पहला ये पावरमेटिक है, इसमें वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस निकाल सकते हैं। और ये दूसरा हमारा जो रखा हुआ है एक हैंड ब्लेंडर है, जो इसी साल हमने लॉन्च किया है दोबारा से। पहले हमारा आया करता था, लेकिन इस साल हमने दोबारा से लॉन्च और एफिशिएंट हाई एनर्जी मोटर के साथ किया लॉन्च, लाइट कमर्शियल के नाम से। दूसरा अगर हम देखें, सेट्रोमेटिक है, इसमें जितने भी सेट्रिक जूसर्स होते हैं हम उसके अंदर इसके अंदर निकाल सकते हैं। तीसरा देखें, ये हमारा मिक्सर ब्लेंडर है, इसमें हाई क्वालिटी ऑनलाइन मिक्सर ब्लेंडर है। इसके कैपेसिटी हमारे जार की 2.25 लीटर है, और इसके अंदर हम एक टैब दिया हुआ है जिसमें हम ऑनलाइन प्रोसेस करते रहते हैं, ऊपर से इसको फीड करते हैं और नीचे से उसकी डिलीवरी कंटिन्यू होती रहती है। ये आपने जो मेगा फ्लो नाम दिया है, ये मॉडल नेम दिया है कि? जी, मेगा मिक्स। अच्छा, मेगा मिक्स इसका मॉडल का नाम है, और हमारा ट्रेड नेम जैसे सुजाता है वो हमारा कंटिन्यू। तो मतलब दोनों तरह डोमेस्टिक यूज़ के लिए? बेसिकली हम लोग इसको डोमेस्टिक कहते हैं, लेकिन 90% लोग हमारे आज की डेट में कमर्शियल यूज़ करते हैं। हम अपने कस्टमर को इसके कमर्शियल होने की गारंटी के लिए भी नहीं मना करते हैं, कि अगर कमर्शियल है तो उसको गारंटी नहीं देंगे। फिर भी लोग करते हैं तो उस पर हमारा कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है किसी। इसके आगे देखेंगे, हमारा एक सुपर मिक्स मॉडल है, ये लाइट जूसर मिक्सर लाइट मिक्सर ग्राइंडर है। इसके अंदर एक जार है, लिक्विडाइज़र है, इसके अंदर मिक्सिंग और ब्लाइंड हो जाती है। एक छोटा जार है 0.5 लीटर के अंदर, इसके अंदर आप चटनी ग्राइंडर और छोटे शॉर्ट क्वांटिटी यानी छोटी क्वांटिटी के अंदर मसाले पीस सकते हैं। ये हमारा ड्राई और वेट के लिए है, अप्रोक्सीमेट 1 लीटर का जार है। इससे आगे चलते हैं, ये इसको मॉडल को बोलते हैं मल्टी मिक्स। इसमें मिक्सर ग्राइंडर प्लस जूसर है। इसमें एक स्पेशलिटी है, ये हमारा कोकोनट एक्सट्रैक्टर है। इसके अंदर कोकोनट मिल्क बनाने के लिए ये हमारा साउथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो लोग इसको बहुत प्रेफर करते हैं मल्टी मिक्स में। हाँ, मेनली साउथ में। उसके बाद देखेंगे हमारा एक बार ब्लेंडर टाइप से है, जैसे इसको फ्रूट मिक्स बोलते हैं। इसमें मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ही होती है, उसमें टैब है और इसमें टैब नहीं है, ये एक फ़र्क है। और साथ में इसके अंदर एक मेटल का
इसका सॉकेट है। अच्छा, मेटल सॉकेट। मेटल सॉकेट है, अलॉय मेटल सॉकेट है। अच्छा। इसके बाद ये सारे वही मॉडल हैं हमारे डिस्प्ले के अंदर। एक हमने सेकंड लास्ट ईयर ये मेगना प्रो कमर्शियल, बहुत ज़्यादा डिमांड थी मार्केट के अंदर, कमर्शियल मेगना प्रो मॉडल है। इसमें मल्टीपर्पज़ ब्लेड है इसका, इसके अंदर ड्राई और वेट दोनों होती है। ये हमारा एक ही में ड्राई और वेट दोनों होता है। इसकी वोल्टेज लोड बेयरिंग कैपेसिटी 1350 वॉट है। और हमने इसके अंदर एक चटनी ग्राइंडर दिया हुआ है। इसके अंदर सेफ्टी फीचर है, अगर इसको हम अनलॉक कर देंगे जब तक प्रॉपरली लॉक नहीं होगा तो इसको रन नहीं कर सकते आप। अच्छा, यहाँ भी आपने ये सिस्टम देखा है, लॉक एंड अनलॉक। अनलॉक इसके अंदर हमारा सेफ्टी फीचर है, ये हमारा माइक्रो स्विच है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे जब तक ये लॉक होने से नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं। इसके साथ में हम लोगों ने एक इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, इन केस आपकी मोटर ओवरलोड हो जाती है तो वो मोटर को कट ऑफ कर देगा, ओवरलोड होने से ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। इससे हमारी मोटर की सेफ्टी है, आपके कस्टमर की भी सेफ्टी है कि इसमें कोई किसी तरह का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। साथ में हम एक इसका जार देते हैं, छोटा चटनी जार, इसकी अप्रोक्सीमेट हाफ लीटर इसकी क्वांटिटी है, इसकी कैपेसिटी हमारा एक सेकंड। इसके साथ जो जार आते हैं कितने जार आते हैं? दो जार है, दो जार आते हैं। एक ये चटनी जार बोलते हैं इसको, एक ड्राई ग्राइंडर और वेट ग्राइंडर कॉमन है। सेकंड मॉडल हमारा सेम कैपेसिटी के अंदर है, इसके अंदर ये मिक्सिंग ब्लेंडिंग का ये 2.25 लीटर का जार है, इसकी लिक्विड कैपेसिटी है 2.25 लीटर और अनब्रेकेबल जार है ये, इसका ये ब्रेकेबल नहीं है। अच्छा। आप इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। और इसके अंदर हमारे स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर हाई एफिशिएंट ब्लेड्स हैं इसके। ये हमारा सेकंड लास्ट ईयर से है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे कमर्शियल काउंटर से, होटल, 5-स्टार होटल्स, कैटरर्स, आउटडोर कैटरिंग्स, इस तरह के हमारे यहाँ पर सब लोग इसके अंदर बहुत अच्छा रेफरेंस है। तो जैसे सर ये जो अनब्रेकेबल आप बनाते हैं और ये सब भी जो बनाते हैं, ये सारे अनब्रेकेबल हैं, सारे अनब्रेकेबल हैं। हमारे जितने भी लिक्विडाइजर हैं आज की डेट में सारे अनब्रेकेबल हैं, कोई भी जार ब्रेकेबल नहीं है इसके अंदर। साथ आप इसी साल कमिंग ईयर जो आप देख रहे हैं करंट में ब्लेंडमेटिक, आज हमने एक नया मॉडल लॉन्च किया है इसी साल, बहुत डिमांड थी इसकी भी बार ब्लेंडर्स के अंदर इसके, तो इसके अंदर हम सिंगल एक जार देते हैं। ये जार की कैपेसिटी 1.75 लीटर है और इसके अंदर देखें तो हमने इसका मैकेनिज्म चेंज किया है, इसका मैकेनिज्म हमने इसके अंदर चेंज किया है। तो ये हाँ अलग मैकेनिज्म, अलग मैकेनिज्म है, बट इसमें भी हमने सेफ्टी फीचर्स सारे लिए हैं। आप जब तक ये पूरा कपल नहीं होगा इसके साथ में तो आप इसको रन नहीं हो कर सकते हैं। मोस्टली देखते हैं किचन में सब लोग काम करते हैं और हर तरह के लोग होते हैं, कुछ आप समझते हो कि पढ़े लिखे भी हैं, कुछ नॉन एजुकेटेड भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर वो दिक्कत नहीं है। इसमें भी हमने अपना सेफ्टी फीचर लिया है, ओवरलोड प्रोटेक्टर है इसके अंदर, मोटर अन ओवरलोड होती है तो इसको कट कर देगी। तो ये अपकमिंग है, अपकमिंग है सर। तो क्या प्राइस रेंज में क्या रहने वाला है सर? ये प्राइस रेंज बेसिकली मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग प्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा। इसकी बहुत अच्छी जानकारी होती है, लगभग अप्रोक्सीमेट ये 10,000 रुपये की रेंज में होगा। अगला हमारा ये रेगुलर मॉडल्स हैं, ये डायनामिक्स है, ये हमारे बहुत पहले से और बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले मॉडल्स हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं जो मार्केट के अंदर। तो यही सारी हमारी रेंज है आप लोगों के सामने मित्तल इलेक्ट्रॉनिक सुजाता की तरफ से। तो यहाँ पर जैसे आप ये प्रैक्टिकल कुछ तो केस कर, हम लोगों का ये लाइव डेमो दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं इसको देख रहे हैं, बुक करा रहे हैं हमारे यहाँ पर, और मैं समझता हूँ फर्स्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छी बुकिंग हो रही है। अच्छा। बहुत बहुत पॉजिटिव हमारे कस्टमर्स का, हमारे व्यूअर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसके साथ साथ, तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा। अच्छा। हमने कभी इतना देखा सोचा भी नहीं था, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम लोगों को इसमें जो है हमारे को। तो ये सर जो अपकमिंग आपने दिखाया यही मॉडल है? ये मॉडल अपकमिंग है। अच्छा। ये मॉडल हमारा अपकमिंग है, आप फ्यूचर के अंदर आपको मार्केट में होटल्स में बार में आपको देखने को मिलेगा सुजाता। अभी तक आप लोग बाहर के अनदर ब्रांड्स देख रहे थे जो इंडियंस नहीं है, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस इसकी हमारे को लोगों को बहुत दिक्कत होती है कस्टमर्स को। हमारा कोई भी पार्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता है, हम लोग सारे पार्ट अपने इन हाउस अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं।
हमारे अपने टूल्स हैं, हमारी अपनी प्रोडक्शंस हैं सारे। तो यहाँ पर किसी भी तरह के, जैसे यहाँ पर आप फ्रूट्स दिखा रहे हो, या कितना हार्ड तक आप कर सकते हैं इसमें? देखिए, फ्रूट्स में और वेजिटेबल में जो हार्डनेस होती है, कॉमन हार्डनेस होती है, वो सारे लोग कर रहे हैं इसमें। आइस ब्लेंड कर रहे हैं, आप स्मूदीज बना रहे हैं, फ्रूट जूस बना रहे हैं जो बार्स में होते हैं। मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा सा टेस्ट करें, एक बार देखें और बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ। अच्छा, ये कोल्ड कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी है, स्ट्रॉबेरी शेक है, उधर आइस ब्लेंड है, वो सारी चीज़ें हम लोग आपके सामने लाइव डेमो कर रहे हैं। तो ये तो जैसे सुजाता का तो एक नाम है सर मार्केट में, और हर इंडियन घर में तो यूज़ होता ही है। हम लोग भी काफ़ी प्रोडक्ट इनके यूज़ भी करते हैं। जैसे इस साइड में यहाँ पर आप फ्रूट्स की दिखा रहे हो, इधर आप मसाले की सारे दिखा रहे हो। यहाँ हमारा बेसिकली क्या है, जो आउटडोर कैटरिंग्स होती हैं और जो लोग अपने मशीनें, बहुत बल्की मशीनें आपने देखी होंगी, जिनको कैरी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कैरी नहीं कर पाते हैं, उठा के ले जाना, कुछ लोगों को बाहर से बना के लाना पड़ता है सेटअप। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आउटडोर कैटरिंग्स के अंदर आप छोटी सी मशीन है, बड़ा इजीली कैरी कर सकते हैं इसको, और कैरी करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं, जहाँ फैसिलिटी है नहीं है, आप इसको बड़ा इजीली ले जा सकते हैं, और ऑन साइड पर आप इसके अंदर अपनी पूरी वर्किंग कर सकते हैं कैटरिंग की। लोग 500-1000 लोगों की कैटरिंग गैदरिंग करते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। इसके अंदर मल्टीपर्पज़ ब्लेड्स हैं, इसके अंदर हम लोग यहाँ डोसा बैटर बना सकते हैं, उड़द की दाल पकोड़े के लिए पीस सकते हैं, कोकोनट की चटनी बना सकते हैं, आगे हमारी ग्रीन चिली सॉस, टमाटर प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और एक सबसे बड़ी बात है, लोगों को बहुत टफेस्ट चीज़ होती है हल्दी, हम इसके अंदर हल्दी भी पीस सकते हैं। मैं आपको हल्दी का लाइव डेमो दिखा के आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, हल्दी काफ़ी हार्ड भी होता है, और काफ़ी जैसे नॉर्मल अगर ग्राइंडर लेते हैं उसमें प्रॉब्लम भी आती है? बिल्कुल आती है जी, और मेरे ख्याल से मैं नहीं जानता कोई क्लेम करता होगा कि हल्दी इसके अंदर हम ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, हम लोग किसी तरह का कोई कट वीडियो नहीं है होगा, हमारे यहाँ जो होता है वही बताते हैं आपको। जरा तो लाइव डेमो दिखाएंगे हल्दी का हम। तो ये अभी हल्दी, ये आप देख रहे हैं, ये हल्दी साबुत हल्दी है और बहुत हार्ड होती है, हाथ से तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, हथौड़ी से तोड़ा जाता है इसको, हैमर से। ऐसे ही हमारे खड़े मसाले हैं, गरम मसाला रखा हुआ है जो हार्डेस्ट हैं सबसे ज़्यादा, बाकी सॉफ्ट मटेरियल तो आप देख सकते हैं कोई भी कर देता है और इजीली हो जाता है। तो आप इधर से फोकस करेंगे कैमरा मैन करके तो दिखाई देगा हमारे पावर। कितने पावर की मोटर लगी है इसमें? 1350 की मोटर है, 1350 वॉट। वेट एंड ड्राई दोनों कर सकते हैं? वेट एंड ड्राई दोनों। आपके सामने सारे डिफरेंट टाइप के हमारे जो मॉडल्स हैं वो अपने डेमो कर रहे हैं, लाइव डेमो कर रहे हैं। यही वजह है हमारी कि हमारा जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो हमारे पास 43 साल से हमारे ऊपर फेथ करते हैं। अब आप देखेंगे इसमें हमने हार्डली 30 सेकेंड का एक आपको इफेक्ट दिखा रहे हैं कि 30 सेकेंड में साबुत हल्दी का क्या हो रहा है। आपको जितना पाउडर फॉर्म में चाहिए आप ड्यूरेशन इसकी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा आगे बारीक करने के लिए और देर तक इसको चला सकते हैं। और यही रीज़न है सुजाता का मार्केट में रहने का। जी जी बिल्कुल ये तो आप लोग ही बताएंगे क्या हम लोगों का कैसा है। तो ये तो ये सारा प्रोडक्ट रहा कि मिक्सर के, एक इसके अलावा और क्या क्या आप करते हैं? देखिए, अभी अपकमिंग में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अभी मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जब तक मार्केट में ना आ जाए तो हम उसके बारे में कोई बात भी नहीं करते हैं और किसी तरह की कोई अप्रूवल नहीं है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने जो मिक्सर ग्राइंडर और जूसर मिक्सर ग्राइंडर में अचीव किया है, शायद ही किसी ने किया हो इंडिया के। तो ये तो रही सर प्रोडक्ट की बात, अगर बात करें बिजनेस की बात करें, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे या बिजनेस करना चाहे या अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है और कैसे कॉन्टैक्ट करता है? देखिए, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का एक डिफरेंट साइड वो है, हमारी लाइन है, हमारे सेल हेड हैं, हमारे ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उनसे सारी बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं क्या रहता है, क्या उनकी टर्नओवर है, उस हिसाब से वो मार्केट डिसाइड करते हैं।
तो कैसे, और जैसे ये जो प्रोडक्ट है इसकी अगर सर्विसेज की वारंटीज की बात करें किस तरह की रहते हैं उसमें? हमारी ऑन साइट सर्विसेज रहती है और हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट पे एक साल की वारंटीज है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकलता है तो वो हमारी एक साल की वारंटी रहती है हमारे प्रोडक्ट पर। तो अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे तो कैसे कॉन्टैक्ट कैसे हो पाए? सर हमारी वेबसाइट है, सारी चीज़ें हैं, उस पर आप विजिट कीजिए और सारे लिंक मिलेंगे उसके अंदर आपको। आप हमारे बिजनेस के साथ, हमारे सेल्स टीम के साथ जुड़ेंगे, वो सारे लोग आपको सारी डिटेल दे देंगे। चलिए थैंक यू सर। और एट लास्ट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एंड अपने कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? भाई मैं यही चाहूँगा, आप लोगों का विश्वास और हमारा कॉन्फिडेंस, जो आज हम इतना सब आगे बढ़ पाए हैं वो आप लोगों के विश्वास के ऊपर है। हम चाहेंगे कि अपने व्यूअर से हमारे को अपना आशीर्वाद और ऐसा प्यार हमेशा सारी ज़िंदगी देते रहें ताकि हम लोग सबके साथ जुड़ के चलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।